कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कैंपियरगंज इलाके के धर्मपुर गांव के राजबारी टोला निवासी बब्बन मौर्य का शव करीब एक साल पहले उसके घर के पास मिला था। अब एक साल बाद इस घटना का क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश करते हुए मूक अभियुक्त के सहयोगी दोस्त को दबोच लिया है। पता चला है कि बब्बन के दोस्त ने पत्नी से अवैध संबंध के शक में उसकी हत्या कर दी थी। आपको बता दें, इस मामले को हादसा बताकर पुलिस दो बार फाइनल रिपोर्ट लगाकर फाइल बंद कर चुकी थी। एसएसपी योगेंद्र कुमार ने एक बार फिर फाइल खुलवाकर मामले की जांच क्राइम ब्रांच से कराई तो हत्या के साक्ष्य मिले। क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम ने इस मामले के दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का पर्दाफाश करते हुए बताया कि 3 जून 2019 को बब्बन मौर्य का शव उसके घर के पास ही मिला था। इसने पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन फिर जांच में यह कहते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी कि शराब के नशे में सड़क पर गिर जाने से बब्बन के सिर में चोट लग गई और उसकी मौत हो गई। इस मामले की फाइल दोबारा क्राइम ब्रांच में खोली गई तो एक बार फिर यही रिपोर्ट लगाकर फाइल को बंद कर दिया गया। वही मामला एसएसपी योगेंद्र कुमार के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसकी फाइल को फिर से खोलने का आदेश दिया। क्राइम ब्रांच के निरीक्षक अजय कुमार मौर्य को विवेचना सौंपी गई और जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि घटना वाले दिन बब्बन अपने दो दोस्तों के साथ शराब पीने गया था। बाद में दोनों दोस्तों ने बाइक पर बीच में बब्बन को बैठा लिया और फिर रास्ते में उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, ये एक हत्या अभियुक्त आज पकड़ा गया और ये क्राइम ब्रांच द्वारा इसकी विवेचना की जा रही थी। पिछले सप्ताह इस संबंध में पहली पीसी हो चुकी है। थाना कंपेयरगंज की विवेचना है। क्राइम नंबर है 132/19-302 की है। इसमें एक बब्बन यादव करके एक व्यक्ति की हत्या 3 जून को पिछले साल हो जाती है। 3 जून की घटना है तो पहले थाना सर से इसकी विवेचना हुई थी। थाना सर से विवेचना का अनावरण संभव नहीं हो सका, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया। वादी पक्ष इसमें बराबर उच्च अधिकारीगण के संपर्क में रहें, अपना शिकायत करते रहें तो उनके उसी क्रम में विवेचना अपराध शाखा में आती है। अपराध शाखा में भी विवेचना लगभग एक साल से चल रही थी, लेकिन पहले इसका जो पहले अंतिम रिपोर्ट लगी थी उसी के फिर पूर्व वेक्षक द्वारा जब साक्ष्य पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण लापरवाह साक्ष्य न मिलने के कारण जब खुलासा नहीं हो पाया तो खुलासा न होने के कारण फिर फाइनल रिपोर्ट की ही पुष्टि की गई। लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य थे, खास तौर से जो सर में चोट लगा हुआ था, ये था कि पहले ये आ रहा था कि जो भी साक्ष्य सामने आए कि वो बब्बन यादव अपना दारू पीने का आदी था, अच्छा खासा दारू पीता था और घटना वाली रात भी ये ठेके पर बैठ करके कुछ लोगों के साथ वो दारू पिया, उसके बाद वो घर के लिए चला। फिर संदिग्ध परिस्थितियों में वो उसकी डेड बॉडी मिलती है। ये था कि मतलब ये अपना अत्यधिक दारू पीने के कारण सड़क पर गिरने के कारण जो सड़क का ये जो रास्ता था कंक्रीला रास्ता था उसके कारण सर में जो चोट आई थी उसके कारण से हुई। लेकिन वो चोट वो सड़क पर गिरने से नहीं हुई, उसके विश्लेषण से चोट के प्रकार से वही एक महत्वपूर्ण चीज़ यही था कि जो चोट का प्रकार था वो सड़क पर गिरने वाली बात से तालमेल नहीं बन रहा था और गहराई से विवेचना की गई। उसमें प्रयास मतलब बराबर प्रयास वो अच्छी तरह से उसमें हमारे एक नए विवेचक फिर इधर आए अपराध शाखा में और 10 या 9 निरीक्षक की नियुक्ति हुई। उसी में विवेचना फिर अपना कतिपय बिंदुओं पर जब ये बतौर पर्यवेक्षण अधिकारी फाइनल रिपोर्ट जो पहले फाइनल रिपोर्ट लगा हुआ था उससे मैं सहमत नहीं हुआ तो विवेचना जारी रही और
उसी क्रम में ही फिर ये घटना का अनावरण हो गया। पिछले 23 अक्टूबर को पहला हत्याभियुक्त जय हिंद इसमें जेल जा चुका है और उसका सहयोगी जो उसका मौसेरा साढ़ू भाई है जो घटना में बराबर संलिप्त था उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और घटना में जो उसको ले जाने में जो मोटरसाइकिल का प्रयोग किया आज उसकी ये रिकवरी हुई है। ये आज जो जिस अभियुक्त को हम लोग गिरफ्तार किया उसका नाम है भोला उर्फ राम किशुन पुत्र राम मिलन, ये निवासी बरमौला छोटी सरौली खलीलाबाद का है। लेकिन इसका बराबर कंपीरगंज आना जाना चूँकि साढ़ू भाई का रिश्ता है, मौसेरा साहिब भाई का रिश्ता है तो बराबर इसका आना जाना था। और ये जैसे कि पहले भी बताया गया था ये अवैध संबंधों का मामला था और उसी कारण ये हत्या हुई है। सर इसका पुराना भी कोई आपराधिक इतिहास? नहीं नहीं, पुराना अभी तक आपराधिक इतिहास मिलने नहीं मिला है। अभी चूँकि मतलब ये दोनों रिश्तेदार हैं और ये जो अवैध संबंध वाली बात एक गांव में आम चर्चा का विषय बना हुआ था तो फिलहाल ये अभी तक जो जानकारी है ये इन सबका पहला आपराधिक इतिहास है। ये इस घटना को खारिज करने में कितने लोग शामिल हैं? नहीं, दो हैं, दो अच्छी तरह से हम लोग अच्छी तरह से पुष्टि की हैं, दो ही हैं, दोनों साढ़ू भाई, दोनों ठेके के दुकान पर दारू पिए हैं, दो और चश्मे साक्षी थे। तो कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो प्रतिदिन साक्ष थे, लास्ट इन एविडेंस वाली बात कि दारू को ठेके पे देखा गया था वहाँ दारू पीते हुए, दारू पीने की बात पुष्टि हुई थी, उसके बाद उसके पहले अपने साइकिल से आटे के चक्की की दुकान पे गया था, वहाँ उसने अपना साइकिल रखा, फिर वहाँ पर ठेके पहुँचा, ठेके पे दो ये सब अपना दो जो हत्याभियुक्त हैं वो दारू पिए हैं और दो और गवाह लोग थे। फिर वहाँ से जब निकलते हैं तब अपने इसी मोटरसाइकिल पर, आज जो आरोपी गिरफ्तार हुआ इसी मोटरसाइकिल ये चला रहा था, पीछे जय हिंद उसका जो साढ़ू भाई था वो बैठा था, अब बीच में ये कुछ अचेत अवस्था में अत्यधिक दारू पीने के कारण उसको बीच में बैठा करके फिर वहाँ तक साक्ष मिला। फिर वहाँ से जो ठेके की दुकान है उनका घर लगभग 2.25 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर कुछ ऐसे ही है, तो रास्ते में फिर ये लोहे से ये सर के पीछे बहुत जोर से प्रहार दोनों ने किया बारी बारी से, उसी में उसकी जान चली गई। फिर वहाँ उसको छोड़ करके रात के अंधेरे में, लेकिन ये था कि बराबर ये जो ये है कि मतलब ये अगर ठीक से ये लगा जाए जो साक्ष हर मौका ये साक्ष एक कहानी है, घटना पूरी तरह से अनावरण हो गया, उसमें आला कत्ल की बरामदगी जो लोहा था पिछली बार ही बरामद हो गया था, मोटरसाइकिल बरामद हो गया, दोनों हत्याभियुक्त बरामद हो गए। जो उल्लेखनीय बात है एक बार फाइनल रिपोर्ट लगा फिर उसकी साक्ष्य बराबर न मिलने कारण अब ये कुछ समय बीता फिर ये साक्ष्य सामने आए। कभी कभी साक्ष्य आने में नहीं, इसके बारे में कप्तान साहब ने पिछली बार ही पिछले में ये पीसी जो एक सप्ताह पहले आज एक दिन हुई थी उसमें विवेचक और टीम को 5,000 का इनाम दिया गया है। जी जी नहीं नहीं उसको हो गया तो कितने दिनों के बाद खुलासा हो पाया? ये 3 जून की घटना है, 3 जून की घटना है, 23 तारीख को खुलासा हुआ था तो एक साल चार महीने 20 दिन बाद खुलासा हुआ था उसकी गिरफ्तारी के बाद, इससे पूरी कार्रवाई हो गई।